सो हे व्हाट इज़ अप एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर किसी ने कमेंट्स में बोला था शाउट आउट के लिए तो मैं अगले एपिसोड में दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं देख नहीं पाया और यहाँ पे एक छेद हो रखा है, इसको भी मुझे कोई ना कोई ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले तो मुझे कुछ ब्लॉक्स चाहिए होंगे यहाँ से, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एंड सिटी में और लेके आएंगे इलाइट्रा को। तो इसके प्लैंक्स तो मैं जाते आते बना ही लूँगा, पर सोच रहा हूँ अभी बना लूँ तो अभी चलते हैं। और इलाइट्रा लेने जाना है आज, एंडर चेस्ट मेरे पास एक है तो ये मैंने ट्रेडिंग किया ऑब्सीडियन और फिर बना ली, तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ क्योंकि एंड सिटी में हमें शायद एंडर चेस्ट मिल ही जाएगी, तो इसको मैं रखूँगा यहाँ पर। तो अभी तो इसमें कुछ नहीं है और अभी जाना है हमें एंड सिटी, तो चलते हैं। तो चलते हैं चलो, और इलाइट्रा लेके आनी है आज हमें। और यहाँ आते ही मुझे डैमेज क्यों मिलता है पता नहीं। ओके, तो हम आ चुके हैं एंड में वापस। तो पिछली बार जब मैं ड्रैगन से फाइट कर रहा था तो मैंने देखा था कि जो एंड सिटी का गेटवे है वो कुछ उस साइड पे खुला है, आइलैंड के कोने पे बिल्कुल, तो अभी वहाँ जाना है हमें। तो उस साइड पे था कुछ, और यहाँ अभी भी एक्सपी पड़ी हुई है यार। तो वो रहा गेटवे एंड सिटी का, और वहाँ हमें जाना है। और फिर कोई पीछे पड़ गया क्या? मुझे पता ही था ये होने वाला है, तो पहले मैं इससे फाइट कर लेता हूँ। मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, सब शांत हो गए शायद। तो यहाँ पे मुझे बिल्ड करके जाना पड़ेगा अभी ऊपर, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बिल्ड कर लेता हूँ, अभी सीढ़ियाँ वगैरह तो बनाऊँगा नहीं। तो कुछ और ब्लॉक्स चाहिए होंगे मुझे, तो यहाँ से मैं वुड ले लेता हूँ जो अपने वर्ब्ड प्लैंक्स हैं, और बस पहुँच ही गए। तो छोटा सा एक एरिया बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया, अब हम चलते हैं सीधा एंड सिटी में। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक कोरस ट्री के ऊपर बिल्कुल, और इसका फ्लावर भी मुझे चाहिए तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। बाकी कोरस फ्रूट तो मैं लेके ही जाऊंगा, और इसके बस सारे फ्लावर्स ले लूँ मैं। ओके, तो अब मुझे ढूंढनी है एक सिटी, तो कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से ढूंढ लूँ, और मुझे लग रहा है टाइम लगने वाला है तो मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगा। तो मैं इस साइड जा रहा हूँ ढूंढने के लिए, और बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मेरे पास ही वुड ही है, तो इससे मैं धीरे धीरे बिल्ड करके जाता हूँ, और काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि आसपास तो आराम से मिलती नहीं है सिटी। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, और मैं सीधा मिलता हूँ जब अब मुझे एंड सिटी मिल जाएगी। ओके, तो एक सिटी मिली है मुझे देखो सामने, और लिटरली आधा घंटा लग गया इसको ढूंढने में। सही में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा था, और इनको तो चैन नहीं है भाई, तीन तीन आ गए। अरे यार, इनको पहले मानना ही पड़ेगा, फिर चलते हैं हम अपनी एंड सिटी में। ये तो ना ढंग से ड्रैगन को मानने दिया, ना ढंग से एक्सप्लोर करने दिया इन्होंने। ओके, तो सामने सिटी है, और यहाँ से मुझे थोड़ी सी ब्रिजिंग करनी पड़ेगी, या मैं सोच रहा हूँ एंडर पर्ल ही फेंक दूँ अब तो। एंडर पर्ल मैंने आते आते यूज़ ही नहीं किया पता है, पूरा ब्रिजिंग करके आया हूँ मैं। और कोऑर्डिनेट्स देख लो मेरे, मैं कितनी दूर आ चुका हूँ सही में। तो एंड सिटी मिल चुकी है, और यहाँ का जो शिप है वो मुझे दिख नहीं रहा सही में। ओके, शिप सामने है, तो इलाइट्रा मिल जाएगी हमें इस वाली सिटी में, तो यहाँ चलते हैं। पहले तो शेल्कर्स को देखना पड़ेगा, और एक शॉट मार ही दिया, और भाई एंडरमैन को अलग प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, एक शेल्कर मिला, तो खाना खा लेता हूँ मैं सबसे पहले, और अब चलते हैं ऊपर को, क्योंकि एंडरमैन से तो मैं भिड़ने नहीं वाला, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है सही में। आते आते भी इन्होंने काफ़ी परेशान किया है। ओके, एक शेल्कर यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि जंप बूस्ट का पोशन ले लूँ जब ये मेरे पास पड़ा ही है, तो इसको यूज़ कर ही लेता हूँ यहाँ पे, हो सकता है काम आ जाए। एक तो ऑलरेडी मेरे पास इतनी जंप बूस्ट है, और यहाँ पे भी शेल्कर्स होंगे काफ़ी सारे, तो शायद मुझे बो निकाल के बैठ जाना चाहिए पहले ही। और एक तो वहाँ पे, पहले उधर पे ही चलते हैं, काम करते हैं और फिर जाएंगे शिप की तरफ। और मैं यहाँ कैसे जाने वाला हूँ मुझे पता नहीं है। ओके, इस ब्लॉक को तोड़ लेता हूँ मैं,
और यहाँ देखते हैं कुछ है क्या यहाँ पे। ओके, एक और रास्ता जा रहा है ऊपर को, और मैं शलकर की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन है कहाँ पता नहीं। ओके, ऊपर ही होंगे वो शायद, और बस मैं यहाँ से गिरूँ ना, तो यहाँ जाना पड़ेगा मुझे। वैसे तो इन्हीं की मदद से मैं ऊपर जाऊँगा, ये जो भी फेंकते हैं मतलब उससे लेविटेशन मिलता है ना, तो उससे ऊपर जाऊँगा। और भाई बहुत सारे भरे हुए हैं, पूरी कतार लगा के बैठे हैं यहाँ पे, इसकी हेल्प से मैं ऊपर ही चला जाऊँगा। और ये तो मारे ही जा रहे हैं, ऊपर मेरे हिसाब से ट्रेजर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ चले जाता हूँ मैं, और यहाँ पे ट्रेजर है, और इन्होंने इतने सारे छोड़ दिए। ओके, यहाँ देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मिली है प्रोटेक्शन 3 की चेस्ट प्लेट, कुछ आयरन मिला है, और बाकी यहाँ पे डायमंड रखे हैं इतने सारे, 60 डायमंड्स रखे हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी आयरन है काफ़ी सारा, और गोल्ड है, और इनको भी अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ओके, तो हम शायद सिटी के सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे हैं, और मुझे वहाँ पे भी जाना था, तो एंडर पर्ल फेंक के देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए, और मैं यहाँ से ही खोद के जाऊँगा नीचे। अब उस साइड कुछ काम तो है नहीं हमारा, तो यहाँ जाके देखते हैं, और सामने ही शलकर बैठा हुआ है, इसको मैं मारता हूँ। और पता नहीं इसने कुछ ड्रॉप भी किया नहीं। ओके, सामने एक और चेस्ट है, और एंडर चेस्ट भी है, तो यही ब्लॉक्स लगा लेता हूँ फिलहाल, और इसको देखते हैं। ओके, ये भी गया, तो ओके वहाँ पे भी है एक, तो यहाँ से मुझे एंड रॉड तोड़ के सीधा जाना चाहिए, मैं उसे स्वॉर्ड से ही मारूँगा। ओके, तो ये भी गया। अब मैं ऐसा करूँगा कि एंडर चेस्ट में सारा सामान रख दूँगा, क्योंकि घर पे मैंने एक ऑलरेडी बना रखी है। थोड़ी सी ब्रिजिंग करके जाता हूँ मैं आगे पे, और अगर यहाँ से गिरा तो मैं सीधा नीचे आऊँगा, तो एंडर पर्ल का ही सहारा है मेरे पास। और सामने एक शलकर भी है, तो इसको मैं यहाँ से देखता हूँ। ओके, तो मर गया, अब हम जा सकते हैं फाइनली शिप पर। तो थोड़ी सी और ब्रिजिंग कर लेता हूँ, और अब मैं एंडर पर्ल ही फेंकूँगा डायरेक्ट, उम्मीद है नीचे नहीं गिरेगा। और ओके, तो सही जगह पे आ गए हम बिल्कुल, और यहाँ से मैं शलकर ले लेता हूँ। तो पहले ही लाइट्रा लेने जाते हैं, और ये एंडरमैन परेशान ना करे बस। और यहाँ पे एक ब्रिंग स्टैंड भी है, तो इसमें पोशन ऑफ इंस्टेंट हेल्थ रखा हुआ है, और इसको भी मैं ले ही जाने वाला हूँ। वैसे कोई काम नहीं है हमारा, पर फिर भी। और यहाँ पे एक शलकर है, इसको पहले हम देख लेते हैं, एक हिट मार ही दिया इसने फिर भी। तो गाइस फाइनली इलाइट्रा मिल चुकी है हमें, और यहाँ पे देखते हैं, तो डायमंड हॉर्स आर्मर एक, और बाकी आयरन। तो अब एक एनविल भी हम बना सकते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, और प्रोटेक्शन 4 का हेलमेट है, कुछ बीट रूट सीड्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें, फिर से एक चेस्ट प्लेट विद फायर प्रोटेक्शन 3, और सिल्क टच का शॉल है हमारे पास। तो इससे क्या मैं एंडर चेस्ट तोड़ सकता हूँ, देखना पड़ेगा जाके। और इलाइट्रा तो सामने रखी है, तो हमें मिल चुकी है इलाइट्रा। ओके, तो मैंने सारा सामान इस एंडर चेस्ट में रख दिया है, और अब देखना है कि क्या ये सिल्क टच वाले शावल से टूट सकती है। के तो मैंने उसे शावल से तोड़ा, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो इसका मतलब है कि हम उसे नहीं तोड़ सकते। और ये एंड रॉड मुझे ले लेनी चाहिए थी। तो थोड़े बहुत एंडरमैन को मैंने मारा, और एंडर पर ले लिया उनसे, बाकी मुझे कुछ शलकरों को मारना है, और फिर हम चलेंगे वापस। तो यार अभी मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, और मैं एंड में मर गया गिर के। मुझे पता है बहुत स्टूपिड सी बात है, लेकिन मैं हुई नूब, अब क्या कर सकते हैं। तो मेरा सारा आर्मर वगैरह सब चला गया, और अभी देखो मेरे पास एंडर चेस्ट तो है, तो जो जो मैंने एंडर चेस्ट में रखा था वही सब बचा है अभी। इस बात की बहुत खुशी है कि लाइट्रा बच गई हमारी, क्योंकि मैंने एंडर चेस्ट में रख दी थी।
तो फाइनली इलाइट्रा आ चुकी है मेरे पास और थोड़ा बहुत अब मैं ग्लाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे रॉकेट चाहिए होंगे और रॉकेट यहाँ मेरे पास है नहीं, क्योंकि देखो अब तक मुझे गन पाउडर नहीं मिला। तो ट्रेडिंग करके मिलता है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे गन पाउडर तो नहीं मिला और ड्रैगन हेड मैंने ले लिया था वहाँ से, तो एवॉइड में नहीं गिरा था और मुझे मिल गया। तो दो ही शल्कर मिल पाए मुझे और 35 आयरन है। देखता हूँ अगर मैं इससे एनविल बना सकता हूँ या नहीं। तो क्राफ्टिंग टेबल मेरा नीचे रखा हुआ है और इतने में मुझे नहीं लगता एनविल बन पाएगी, पर देख लेते हैं एक बार। तो 3 ब्लॉक तो बन रहे हैं। ओके, मैं एनविल बना सकता हूँ, तो इसकी मैं एनविल बना लेता हूँ क्योंकि ये हमें चाहिए ही। वैसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है अभी, अभी तो हम गेम कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो एनविल को मैं इसके ऊपर ही रख देता हूँ। तो गाइस मिल चुकी है मुझे इलाइट्रा और अब हम उड़ सकते हैं। तो एक बार टेस्ट के लिए हम उड़ के देखते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है करने की, पर हाँ अब हम उड़ सकते हैं। उड़ भी नहीं सकते तो एटलीस्ट ग्लाइड तो कर सकते हैं। तो आर्मर चला गया, पर हाँ उड़ ज़रूर सकते हैं अब हम। और विलेज पे आ चुका हूँ मैं नीचे उड़ उड़ के, पर पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो गया, मैं फिर से स्टीव बन गया हूँ। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, 80 ऑलमोस्ट पहुँच गए, 100 भी हो जाएंगे। और 100 सब्सक्राइबर्स में आपको पता है वीडियो आएगी स्पेशल कि मैं अपने थंबनेल कैसे बनाता हूँ, और एक और एक्स्ट्रा बोनस वीडियो भी आएगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो जल्दी से। और आज की वीडियो में तो इतना ही, और मिलते हैं हम अगले नए एपिसोड में।